नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में किसे भाजपा का टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, इसे लेकर राजधानी दिल्ली में गुरुवार के दिन बैठक रखी गई। इस दिन अजय एकादशी का शुभ दिन भी था और बीजेपी किसी भी काम को करने या आधिकारिक घोषणा करने के लिए वार, त्योहार, दिन सबका बड़ा महत्व समझती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। करीब 6 घंटे ये बैठक चली और मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य कई नेता मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार 50 के करीब सीटों पर सिंगल नाम है, जबकि 40 सीटों पर दो नामों का पैनल तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य की सभी 90 सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है और प्रत्येक सीट पर 3-3 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, जहां पर इस पर मुहर लगेगी और उसके बाद फाइनल लिस्ट सामने आएगी। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले ही तमाम पोर्टल ने अपनी अपनी इच्छा और भविष्यवाणी करते हुए अपने ही हिसाब से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रथला के लिए किसी पोर्टल ने लिखा कि टेकचंद शर्मा की टिकट फाइनल है, किसी ने नयनपाल रावत और रात होते होते दीपक डागर को फाइनल उम्मीदवार बना दिया। फरीदाबाद से किसी ने विपुल गोयल का नाम लिखा, फिर थोड़ी देर बाद बड़खल से फाइनल बता दिया। हालांकि जब चारों ओर ये लिस्ट वायरल होने लगी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति की हरियाणा विधानसभा चुनाव की टिकटों के बंटवारे को लेकर बैठक खत्म भी नहीं हुई थी कि दावेदारों ने अपने समर्थकों के पास फोन करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने अपने समर्थकों के पास फोन कर रहे कहना भी शुरू कर दिया कि उनको टिकट मिल चुकी है, अब चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इस सब को देखते हुए पार्टी ने साफ कर दिया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, किसी के नाम पर मोहर नहीं लगी है और अभी पार्टी द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा कोर कमेटी में बची हुई 35 सीटों पर फिर से चर्चा होगी, जिसके बाद ही फाइनल लिस्ट सामने आएगी। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने की रणनीति पर काम कर रही है और बड़े सोच विचार के बाद ही कैंडिडेट फाइनल किए जाएंगे। टिकट मिलने की चर्चाओं के बीच दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर भाजपा के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जिन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, उन्हें सीईसी में रखा गया। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और प्रथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, राजीव कत्याल, पलवल विधायक दीपक मंगला सहित अन्य कई भाजपा नेता और टिकटार्थी मौजूद रहे। सबको उम्मीद थी कि टिकट आएगी, लेकिन पता चला कि फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में अभी समय लगेगा। हो सकता है 1-2 दिन में बीजेपी इस बार के चुनावों में किन चेहरों पर दाव खेल रही है ये साफ हो जाए। लेकिन अब ऐसे में इंतजार की इस घड़ी में ना सिर्फ टिकट की आस लगाए उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, बल्कि आम जनता भी सोच में पड़ गई है कि आखिर होने क्या वाला है। अब ऐसे में उन दावेदारों के लिए एक उम्मीद जगी है जो सोच रहे थे कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, और पुराने जिन उम्मीदवारों को टिकट कटने का डर था, फिलहाल उन्होंने भी राम भरोसे छोड़ दिया है। सीटों के घमासान को देखते हुए भाजपा ने टिकटों की घोषणा को टाल दिया है और प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने कहा है कि आज लिस्ट जारी नहीं होगी, अभी 1-2 दिन लग सकते हैं, बाकी बची सीटों पर भी जल्द चर्चा होगी। उन्होंने कंफर्म किया है कि सीएम नायब सिंह सैनी करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है कि वह खुद नहीं लड़ रहे। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोनीपत की गोहाना सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनावों में किसकी किस्मत साथ देने वाली है, वो कौन है जिसने लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने टिकट बंटवारे के लिए कुछ खास मापदंड तैयार किए। पार्टी इस चुनाव में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखकर ही टिकट देगी और ये ध्यान रखा जाएगा कि किस उम्मीदवार में जीतने की क्षमता है और लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता कितनी है, उसे लोग कितना जानते हैं, क्योंकि इस बार हरियाणा में कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। तो सोच समझकर हर कदम उठाना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए वैसे कहा जाता है कि बीजेपी परिवारवाद की राजनीति से दूर रहती है, लेकिन अगर जीत के लिए, सीट के लिए नेताओं के बच्चों को टिकट देनी पड़ी तो पार्टी उससे भी परहेज नहीं करेगी। ऐसे में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट की संभावना है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को भी टिकट मिलने की संभावना है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी टिकट के दावेदार हैं,
लोकसभा चुनाव हारे कुछ पूर्व सांसदों को भी टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरे दलों से आए नेताओं को भी टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को भी उम्मीदवारों की सूची में जगह संभव है। एन टीम वैकेंसी की कार्ड के लिए टिकटों पर कैची भी चलाई जाएगी। अटकलें हैं कि 30% विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं और कई मंत्रियों को भी बेटिकट होने पड़ सकता है। अभी 41 MLA यानी 10-15 के टिकट पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि ये सब अभी संभावित है, फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अचानक लिस्ट फाइनल होते होते देरी को लेकर सब तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ऐन मौके पर ऐसी क्या बात हुई कि भाजपा ने लिस्ट रोक ली। तो भाजपा सूत्रों के मुताबिक इसकी मुख्य वजह जिंद में 1 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली बताई जा रही है। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी की पहली बड़ी रैली है। ऐसे में टिकट बंटवारा करने से पार्टी में बगावत और नाराजगी का डर बना हुआ है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए टिकट कटने से, जिससे ना केवल भाजपा की ओपनिंग रैली से पहले बगावत नाराजगी की सुर्खियां बनेंगी बल्कि रैली में ऐसे नेताओं की दूरी से भी भीड़ पर असर पड़ सकता है। ऐसे में शाह जो माहौल बनाना चाहते हैं उसको नुकसान हो सकता है। रैली को लेकर भाजपा के बड़े नेता तैयारियों में डटे हुए हैं। पूरे प्रदेश में भीड़ जुटाई जा रही है। अभी सबको उम्मीद है कि टिकट मिलेगी तो सब अपने अपने स्तर पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। लिस्ट आ जाएगी तो उनकी टिकट कट जाएगी। ऐसे में अगर लिस्ट आ गई उनकी टिकट कट गई तो वे ना सिर्फ रैली से दूरी बनाएंगे बल्कि अपने समर्थकों को भी यहाँ लाने का काम नहीं करेंगे। नामांकन शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हरियाणा आएंगे। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व उनकी 4 रैलियां करवाने की तैयारियों में। ऐसे में फिलहाल जो भी नाम चल रहे हैं वह सिर्फ संभावित हैं। टिकट किसके हाथ लगेगी इसकी जानकारी भी हम आपको देश रोजाना के माध्यम से जरूर देंगे। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।